इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 इतिहास क्लास 8, यह तीसरा भाग है और चैप्टर है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो यहां से पढ़ते हैं व्यापार की समस्या। पिछले भाग में पहले का टॉपिक पढ़ चुके हैं और यहां से 19वीं सदी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं और व्यापारी सामान खरीदने बेचने वाले और महाजन मालिक लोग जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, मतलब वन से जो निकलता था उसको खरीदने, नगद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगता है। इसको समझने में बहुत समय लग गया। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा उधर रेशम का कपड़ा लोग पहनते थे, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटिश जिधर है उधर बहुत ठंडा पड़ता है। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे और बहुत ज्यादा जोर दिया गया रेशम को बनाने के लिए। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संस्थाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके कृषि कोष को इकट्ठा कर लेते थे और एजेंट को भेजेंगे, कर्जा दो भाई, उनसे खेती करवाओ और जो भी वो उगाए उसको इकट्ठा करो, बाकी उनको दो, बाकी अपने लेकर आ जाओ। 3 से 4 रुपए मिलते थे और इसके 3 से 4 रुपए उन लोगों को, चाहे गरीबों को मिल जाता था, जितना काम करके दे देंगे 3 से 4 रुपया मिलता था उन लोगों की वजह से। के बाद इन कृषि कोषों को बर्दवान या गया भेज देते थे। बर्दवान भेजेंगे उस चीज को, नहीं तो गया में भेजते थे। उसके बाद देखो क्या होता है, जहां उन्हें 5 गुनी कीमत पर बेचा जा सकता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए को जमकर मुनाफा होता था और जो बीच में काम करते थे उनके, उनको तो बहुत मुनाफा होने वाला था और उनको होता भी था। आज जितना खेती करने वाले कमाते नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा कमाता है जो सरकारी गोदाम का मालिक बनकर बैठा है, जो सरकारी गोदाम का ऑफिसर है, वही ज्यादा कमाता है, क्योंकि वही बिचौलिया है, दलाल। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे और जो भी समुदाय थे अपने व्यापारियों को ही सबसे ज्यादा भली बुरी कहने वाले दुश्मन मानना चालू कर दिए थे। ये है कुछ आदिवासियों का फोटो। चित्र 10, बिहार के कोयला खनिज 1948, जो अभी झारखंड में है स्थित ये जगह। ये 1920 का फोटो है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बगान फैलने लगे थे। चाय पीने की लत बहुत लोगों को लग चुकी थी। खान उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बगानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया गया, मतलब ठेकेदार के तरफ से भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार भर्ती करते थे, होता नहीं कंपनी में जो डीलर होते हैं उनके तरफ से एक स्टाफ जाता है, वैसे ही जो ठेकेदार थे उसी के अंडर में, उसी के नीचे, उसी का साथ में ये लोग काम करते थे।
ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देता था, और जो ठेकेदार था वो बहुत कम पैसा देता था इस सबको काम करने के लिए। उन्हें आपस घर भी लौटने नहीं देता था, और उन्हें वापस घर आने की भी मंजूरी नहीं थी। नजदीक से देखने पर देखो क्या होता है। 19वीं सदी और 20वीं सदियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासी कोयला, जहां कोयला होता था, जहां से कोयला निकाला जाता था, उनको जो लेबर होते थे उनको कोल आदिवासी बोलते थे। कोल आदिवासी ने और 1955 में संस्थालों ने बगावत कर दी थी। और संस्थाल जब बगावत किए, उसके बाद से 1857 में हुआ जातीय बगावत। तब तो अंग्रेजों की छक्का, क्या बोले उन लोगों को, अंग्रेजों की पसीना छूट गई थी शांत करने में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चीते बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा कोई जगह है, बहोड़ा के पास आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, और ये लाजमी है कि काम के तलाश में लोगों को भटकना ही पड़ता है। आज भी लोग भटकते हैं, पहले भी लोग बेरोजगार थे, आज भी लोग बेरोजगार हैं। और जब बिरसा बचपन में थे, छोटे थे, तब लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए, पीछे में, पास्ट में हुए हमारे मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मतलब मुखियों को विद्रोह का आह्वान करते हुए कहा कि हमें विद्रोह करना चाहिए। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे, मतलब बाहर के सैनिकों से, बाहर के लोगों से पूरी तरह आजाद थे। वही था उनका स्वर्ण युग। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके में मूल निवासियों का वंशज मानते थे, और अपनी जमीन की लड़ाई मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनके अपना साम्राज्य वापस पाना है, उनको अपना स्वराज वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। वहां पर भी मिशनरी स्कूल पहले होता था, गुरुकुल, जहां उन्हें मशीनरी के उपदेश सुनने का मौका मिलता था। और ये मशीनरी, जहां पर मशीन बनता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी तो वो लोग स्कूल खोले थे, वहां पर जाते थे। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म, उस समय जो जाने माने वैष्णव धर्म था, विष्णु धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे।
अपने आप को शुद्ध करो, लोगों पर दया करो, इस पर जोर देने लगे। उसके बाद है, अपने किशोरा अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन और जादू टोने में विश्वास ना करें। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। मशीन और हिंदू जमींदार, वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, और मुंडा वाले बहुत परंपरागत ढंग से जीते थे, लेकिन ये लोग आकर नष्ट करने लगे। और वैष्णो धर्म का मतलब होता है विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। अठारह सौ पंचानवे में बिरसा ने अपने अनुयायियों के आह्वान किया, जो उनके दोस्त थे, संगे संबंधी थे, उन सबको आह्वान किया, बुलाया। वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करना चाहते थे, पुनः जीवित करने के लिए संकल्प लिए और संकल्प लिए कि हम अपने अतीत को जीवित कर लेंगे फिर से। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग, वह अतीत के पीछे बीते हुए का एक ऐसा युग जिसे हम सतयुग की चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे और सतयुग में भी लोग अच्छा जीवन जीते थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये है कलयुग। तो कलयुग से सतयुग जाना है तो कलयुग खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब जलमय हो जाएगा, उसके बाद से सब कोई सतयुग में जाएगा मरने के बाद। और फिर वहां पे तटबंध बनाते थे, कुदरती झरने को नियंत्रित करना था उन लोगों को, पेड़ और बाग लगाते थे। उसके बाद से है, पेट पालने के लिए खेती करते थे। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों का काम क्या था, अच्छी जिंदगी को जीना और तटबंध बनाना और नदी के किनारे बांध लगाना और कुदरती जो झरना था जो पहाड़ से पानी आता है उसके लिए एक निकासी बनाना कि पानी सीधा रास्ता से आ सके। ठीक है, उसके बाद से पेड़ पौधे बाग को नियंत्रण करते थे, पेड़ पौधा और जंगल, उसको बचाना उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत लगता था। और पेट पालना, ये तो सबसे मेन है, सबसे अलग है, अरे पेट में रहेगा नहीं कुछ तो कैसे काम चलेगा। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, और यही मुंडा चाहते थे। और रहा सतयुग का बात, तो सतयुग से हमको एक कहानी याद आ गया, जब शिव पार्वती विवाह हुआ था तो वो सतयुग ही था कि अपने बेटी के पसंद को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, और जिनके कारण सती ने उसी अग्नि में कूद कर, जिस हवन में उन्हें नहीं बुलाया गया था, अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद से तो प्रलय आया, तो सब कोई जानता है, सीरियल तो सब कोई देखे होंगे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरी महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यही था इन लोगों का असली कारण कि हम बिरसा राज स्थापित कर देंगे, बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज हो जाता, थोड़ी सी मेहनत किए होते, लेकिन बिना हथियार का मेहनत कहां से करेंगे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था।
अंग्रेजों की भू नीति उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। और जितने भी मशीनरी लोग थे, फैक्ट्री चलाने वाले, वे इनके परंपरागत कार्य को, संस्कृति को मजाक उड़ाते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। और जितने लोग बिरसा अरेस्ट हुआ था ना, बिरसा गिरफ्तार हुआ तो 2 साल तक जेल में था। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणो मतलब दीकू और यूरोपीय, रावण कौन था, बाहरी था, इसलिए रावण बोला गया किसको, अंग्रेजों को, रावणों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी मतलब उनके सगे संबंधी पड़ोसी गांव वाले दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था सन 1900 में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई। और हैजा ऐसा बीमारी है कि एक बार हो गया तुरंत गांवों गांव साफ कर देता है। आंदोलन ठंडा पड़ गया, लीडर मर गया, आंदोलन खत्म। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को स्वाभाविक करने, अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। हम अपने विरोध को आपके सामने दिखा सकते हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया इसीलिए। और यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। और फिर से याद करें और इस रिक्त स्थान को भरें। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया था। किस रूप में वर्णित किया था, इसका जवाब, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं का डैश स्वामित्व मिल गया। इसमें आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरना है। नीचे क्वेश्चन आंसर है जिसको सही कर दे, जिसको आपको बना लेना है। और एग्जाम के लिए बहुत जल्द मैं क्वेश्चन खुद पढ़ के आपको देने वाला हूँ। इसी इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। उसके बाद है, आइए विचार करें। ये विचार अपने आप से करना है। सबके बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। बुक निकालो, क्वेश्चन पढ़ो, मौज करो। पढ़ाई तो मौज है, असली मौज तो पढ़ाई में ही है। आइए करके देखें। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करें। 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें। उनकी कहानी अपने देश शब्दों में लिखें। ठीक है, और ये खत्म होता है यहाँ पे। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अगला भाग है चैप्टर 5, जो आपको हमारे इतिहास 3 क्लास 8 का जो है उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।